सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे उपासते संजानाना उपासते योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपा पाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिम् ओ शांति 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 दोस्तों मित्रों बहुत बहुत आपका अभिनंदन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 के इस सो दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति महोदय ने परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने किया परम श्रद्धे दाजी ने अपना अनुपम व्याख्यान दिया अन्य सचिव महोदय उस कार्यक्रम में थे डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी उसमें थे योग के एक विस्तृत चर्चा हुई हुई कहा कि योग किसी मजहब का प्रतिबिंब नहीं है कोई मजहब नहीं है ना कोई धार्मिक प्रक्रिया है वह योग तो एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है जो आत्मा में दिव्यता को पैदा करती है जीवन को भव्य बना देती है लाइफ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड जीवन भगवान की अनुपम सौगात है परम श्रद्धा स्वामी जी महाराज इस वाक्य को बार बार कहा करते हैं कि जीवन परमात्मा की सबसे अनुपम सौगात है ये मानव रूप का जन्म ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है और इस बेशकीमती जीवन को यदि हम तुच्छ कार्यों में लगाएंगे बहुत छोटी सोच के साथ हम उसको जिएंगे, बहुत छोटा लक्ष्य लेकर यदि हम उसको जिएंगे, तो यह जीवन का सबसे बड़ा अपमान होगा हमारा जीवन अनंत है और हमारी शक्तियां भी अनंत हैं हमारी प्रतिभाएं विराट हैं अपनी शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियों का हमें अनुभव ही नहीं है हम उन सुप्त शक्तियों का जागरण कर सकते हैं साहब योग क्या है यदि हम परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के शब्दों में कहें तो योग वह विज्ञान है जो हमारी सोई हुई सुप्त शक्तियों का जागरण कर देता है जो हमें असीम के साथ जोड़ देता है जो विराट बना देता है लाइफ इज एटर्नल सो आर आवर पावर And we possess immense talents in ourselves. And talents are silent in our life. If we give our talents to voice them, we have to practice yoga. हमें योग को अपने जीवन में धारण करना होगा योग को अपनाकर हमारी आंतरिक शक्तियों का हम विकास कर सकते हैं उन्हें उद्बुद्ध कर सकते हैं उनका जागरण कर सकते हैं आंतरिक शक्तियों को आंतरिक क्षमताओं का विकास कर सकते हैं और हम पुरुष से महापुरुष की यात्रा आरंभ कर सकते हैं मानव से महामानव की यात्रा आरंभ कर सकते हैं मानव से देव की यात्रा आरंभ हो सकती है देवत्व हमारे में स्थापित हो हमारे भीतर शिवत्व स्थापित हो शिवत्व का हम अनुसरण कर पाए उसका बोध कर पाए हमारे संबोधि की प्राप्ति हो यह हम कर सकते हैं परंतु योगी कभी दीन हीन कमजोर नहीं होता योगी कभी अकेला नहीं होता योगी कभी असहाय कमजोर नहीं पड़ता योग में क्या शक्ति है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना विराट कर देती है अष्टांग योग को राजयोग को इस ध्यान योग को अपने जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति योगी कहलाता है जो योगी होता है वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि मैं विराट हूं मैं परमात्मा का प्रतिनिधि हूं इस पृथ्वी पर मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है किसी विराट उद्देश्य के लिए हुआ है और मुझे छोटा नहीं सोचना है मुझे दूसरों का सहायक होकर कार्य करना है दूसरों के लिए सहयोगी होना है दूसरों के लिए पूरे समाज के लिए उपयोगी होना है परंतु जब तक मैं निरोगी नहीं होऊंगा, तब तक मैं किसी का सहयोगी भी नहीं हो सकता और इस समाज इस राष्ट्र इस विश्व के लिए उपयोगी भी नहीं हो सकता हूं तो आइए योगी बने निरोगी बने इस संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी बन जाएं और वो तब होगा जब आप इस योग के मूल तत्व को धारण करेंगे कि मुझ में धरती सा धैर्य हो वायु सा वेग हो अग्नि सा तेज हो जल जैसी शीतलता हो और आकाश जैसी विराटता हो मैं अजर अमर नित्य पवित्र तेजों में जीवात्मा हूं मुझे तो बस इतना सा ही समझ में आता है कि जैसे शरीर की शुद्धि जल से होती है मन की शुद्धि प्राणायाम से होती है वैसे ही इस ज्योतिर्मय आत्मा की शुद्धि ध्यान से होती है आत्मा की शुद्धि आंतरिक मलों का शोधन बाह्य दोषों का निवारण अंतःकरण की शुद्धि करके समाधि द्वारा हम पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं ये जो यात्रा है मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा है ये यात्रा अशुभ से शुभ की यात्रा है ये यात्रा लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की यात्रा यात्रा है आइए हम इस के के राही बन जाएं जप और प्राणायाम के तप से हमारे भीतर एक विराट शक्ति का जागरण होता है ध्यान तो घटित होता ही है पिंड और ब्रह्मांड में तदात्म्य स्थापित होता है तदात्म्य अनुभूत होता है परा अपरा विद्या घटित होती है प्रा अपरा विद्या की प्राप्ति ब्रह्म विद्या में स्थिति और भगवत कृपा की प्राप्ति दिव्यता की अनुभूति हमें होती है पर अपरा विद्या को प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्म विद्या में स्थित हो जाता है और जैसे ही वह ब्रह्म विद्या में स्थित होता है वह भागवत कृपा को प्राप्त होता है दिव्यता को प्राप्त होता है मुझे एक सूक्त याद आता है स्व कर्मना तम अभ्यर्च सिद्धि विंदती मानव हम अपने कर्मों को इतना विराट कर देते हैं इतना दिव्य बना देते हैं कि उन दिव्य कर्मों से हम ईश्वर की आराधना करते हैं अपने दिव्य कर्मों से ईश्वर की आराधना का नाम ही योग है योग संपूर्ण विश्व को भारत की महान उपलब्धि महान देन है अनुपम सौगात है और यह अनुपम सौगात हमें कहां से प्राप्त हुई योग विद्या के विषय में हम यदि चर्चा करना चाहें इसके इतिहास को खोजना चाहें तो हम पाएंगे कि योग वैदिक कालीन है यदि वेद के दृष्टिकोण से बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है विश्व की द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ ह्यूमन काइंड इज ऋग्वेदा और इस ऋग्वेद के माध्यम से मैं योग की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं एक मंत्र श्रद्धे स्वामी जी महाराज को अत्यंत प्रिय है श्रद्धे स्वामी रामदेव जी महाराज की मैं वार्ता कर रहा हूं अपने पूज्य गुरुवर की आप बात कर रहा हूं वो कहते हैं कि आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रुपहा तुम ही विश्व भैषज देवानाम दूत ईय से कि प्राण ही सबसे बड़ी औषधि है और देवताओं का वह दूत बनकर हमारी चिकित्सा करती है हमारी रक्षा करती है हमारे जीवन को भव्य करती है दिव्य करती है और अनुभूति की ओर अग्रसर कर देती है प्राण के विषय में इतनी गहनता के साथ चर्चा जो योग का मूल तत्व है आधारभूत है उस प्राण की मैं बात कर रहा हूं यदि मैं यूं कहूं उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा गया है प्राण वही ब्रह्म और प्राण की इस विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में यदि आप समझ लेंगे तो मुझे इस बात को कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या ईश उपनिषद के ऋषि उपनिषद के आरंभ में ही इस बात को कहते हैं ईशावास्यदम सर्वम यत किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित ग्रिधा कस्य सुधनम ईश्वर कणकन में व्याप्त है दोस्तों मित्रों ईश्वर यदि कणकन में व्याप्त है तो इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां हमें दिखाई देती हैं बस वैसी ही शक्तियां हमारे इस पिंड में हैं इस शरीर में भी हैं जैसे परमात्मा इस संपूर्ण प्रकृति की आत्मा है कणकन में विराजमान है ऐसे ही इस पूरे शरीर की आत्मा वह प्राण तत्व है वह भी शरीर के कण कण में व्याप्त है उसके माध्यम से ही शरीर गतिमान है जो हम देख रहे हैं वह प्राण तत्व के कारण ही तो है दर्शन की क्रिया स्पर्शन की क्रिया श्रवण की क्रिया डाइजेशन, पाचन की क्रिया किसके माध्यम से चल रही है मित्रों इस प्राण तत्व के माध्यम से ये आत्म तत्व कब तक हमारे भीतर है ये शक्ति हमारे भीतर कब तक है ये शरीर में जो रक्त का संचार हो रहा है दिल की जो धड़कन है इस धड़कन के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का संचार है ये किसके माध्यम से है इस प्राण तत्व के माध्यम से है इसलिए कहा प्राणवयी ब्रह्म प्राणवयी माता प्राणवयी पिता प्राणवयी भ्राता प्राणवयी मित्र सबसे बड़ा मित्र ये प्राण है जब तक ये प्राण आपके शरीर के भीतर है तब तक ही आप देख रहे हैं गा रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं चल रहे हैं अपने भीतर ऊर्जा और शक्ति का अनुभव कर रहे हैं आइए इस प्राण की शक्ति को जागृत करने की इस विद्या योग विद्या को समझने का हम प्रयास करते हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं जो वेदों से उपनिषदों से चलकर आगे बढ़ रही है महर्षि पतंजलि तक जब ये विद्या पहुंची है भगवान योगेश्वर कृष्ण ने जिस प्रकार इस विद्या को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है वह अद्भुत है साहब योगस्थ कुरुकर्मा संगम त्यक्वा धनंजय सिद्ध समो समोभूतः सम्वम योग उच्चते योगेश्वर भगवान कृष्ण योग की महिमा का गान कर रहे हैं गीता के अठारह अध्याय हैं दोस्तों उन अठारह अध्याय के 700 श्लोक हैं उन 700 श्लोकों में यदि मैं यूं कहूँ सब में कहीं ना कहीं उसकी जो मूल आत्मा है वह योग है उन अठारह अध्याय के अठारह अध्याय वह योग की ही मूल अवधारणा है एक एक अध्याय में योग का ही अध्याय है संन्यास कर्म योग यदि हम बात करें गीता की तो गीता के पहले अध्याय में जहां अर्जुन में अवसाद आ जाता है विषाद आ जाता है एक भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरे से यह संभव नहीं हो पाएगा हथियार नीचे छोड़ देता है ये केवल कुरुक्षेत्र के अर्जुन या भगवान कृष्ण का ही संवाद नहीं है यह मेरे और आपके जीवन का संवाद है दोस्तों और गुरु तत्व योगेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में होते हैं जो हमारे जीवन में उस भ्रम को विषाद को अवसाद को निकाल देते हैं ये योग है योग में जब अर्जुन के सामने यह विचित्र स्थिति पैदा होती है वह डायलिमा की सिचुएशन में होता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में हम एक एक कदम पर इस बात को अनुभव करते हैं हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि हमें यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यदि आपके सामने भी यह प्रश्न खड़ा होता है तो दोस्तों मित्रों भगवत गीता आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाने का काम कर सकती है योग केवल मात्र कोई शारीरिक परिकल्पना या शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं है हाँ ये व्यायाम भी है शारीरिक उन्नति शारीरिक रूप से आपको सौष्ठव सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य भी योग करता है परंतु योग की यह यात्रा बहिरंग से अंतरंग की यात्रा का नाम योग है शरीर की शुद्धि के साथ मन के मलों की शुद्धि और अंतरंग अंतरतम आत्मा तक की शुद्धि और परमात्मा से मिलन यह योग है। मैं बात कर रहा था योगेश्वर भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद की तो मुझे एक सूत्र याद आता है और डांटते हुए गुरु अपने शिष्य को क्या कह रहे हैं क्लेब्यम मा सम्वीप्य शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त परत कलब्यम मां समम पार्थ हे अर्जुन इस नपुंसकता की वार्ता को छोड़ और योग मार्ग का राही बन जा तस्मात योगी भव अर्जुना भगवान कृष्ण अर्जुन जी को बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि तू योगी बन जा हमारे मन में दुविधाएं तो रहती हैं हमारे मन में प्रश्न तो खड़े होते ही हैं संशय तो खड़े होते ही हैं किस रास्ते का चयन करना है यह हमारे सामने प्रश्न उठता ही है परंतु गीता पढ़ने के बाद गुरु के आदेश को स्वीकार करने के बाद शिष्य क्या कहता है मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादानमया अच्युता गत संदेहा करिश्य वचनम तवा अर्जुन कह रहे हैं कि हे गुरुवर हर शिष्य अपने गुरु के सामने जब अध्ययन को करता है इस योग की यात्रा को पूर्ण करता है तो उस अंतिम तत्व को जब प्राप्त कर लेता है संबोधि को प्राप्त कर लेता है योग को जी लेता है तो कह उठता है कि तेरी कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है मेरा सारा संशय दूर हो गया है मेरे भीतर विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है मुझे तो अब सारी स्मृति प्राप्त हो गई है अब कोई संदेह नहीं बचा मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ अब मैं तेरे कहे अनुसार कार्य करूंगा स्थितो अस्मि गत संदेह मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं मैं स्थित हो चुका हूँ देखिए योगेश्वर भगवान कृष्ण के इस संपूर्ण गीता के वाक्य में मुझे सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द लगता है वह है स्थिति स्थित प्रज्ञ होना और एक शिष्य क्या कहता है अंतिम रूप से कह रहे हैं करिश्य वचनम तबाह हे गुरुवर अब जो आप निर्देश देंगे मैं आपके इस निर्देश के अनुसार कार्य करूंगा योग भारत के ऋषियों की महान देन है योग एक गुरु शिष्य परंपरा है और गुरु शिष्य परंपरा में जब शिष्य ये कह दे कि करिश्ययी वचनम तवह जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही जीवन में आगे बढ़कर करूंगा तो दोनों का ही लक्ष्य पूरा हो जाता है एक सच्चे शिष्य को एक सच्चा गुरु मिल जाता है और एक सच्चे गुरु को एक सच्चा सद शिष्य भी मिल जाता है और तब क्या घटित होता है तो कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मति मम कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर जहाँ योगेश्वर जैसे कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ केवल श्री होगी वहाँ केवल विजय होगा वहाँ विभूतियाँ होंगी वहाँ अचल नैतिकता होगी यही मेरी निश्चित अवधारणा है तो जहाँ जहाँ एक योग्य शिष्य योग्य गुरु होंगे सदगुरु होंगे योग्य शिष्य होंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में केवल मात्र विजय ही विजय होगी ये विजय की यात्रा सुनिश्चित करने का मार्ग उसका नाम योग है परम श्रद्धा स्वामी जी महाराज ने इस प्राणायाम रहस्य में योग की जो परिभाषा दी है मैं वह आपके साथ साझा करना चाहता हूँ योग एक जीवन दर्शन है योग आत्म अनुशासन है योग एक जीवन पद्धति है योग व्याधिमुक्त व समाधि युक्त जीवन की संकल्पना है योग आत्म उपचार एवं आत्मदर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या है योग व्यक्तित्व को वामन से विराट बनाने की समग्र रूप से स्वयं को रूपांतरित व विकसित करने की आध्यात्मिक विद्या है योग एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं वह योग का यदि प्रयोग यदि थी हम ठीक ढंग से करें तो एक प्रमाणिक चिकित्सा पद्धति योग है जो व्याधियों को निर्मूल कर देती है एक संपूर्ण विधा है जो शरीर के रोगों का ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों का चिकित्सा शास्त्र है यह योग है दोस्तों मित्रों योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जो बात कही वह बात थी योगस्थ कुरु कर्माणी संगम त्यक्वा धनंजय सिद्ध समो समोभूतवा समत्वम योग उच्चते यदि हम इसको आज मॉडर्न साइंस के साथ एलोपैथी के साथ जोड़कर देखें तो हम प्राप्त करेंगे कि इंबैलेंस इज कॉल्ड डिजीज एंड बैलेंस इज जो बैलेंस का जो तत्व है यह योग है किसका बैलेंस करना है हमें यदि हम बात करें योग दर्शन की इस योग दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो यह योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित अनुशासन की पद्धति योग का अनुशासन बताने वाला यह ग्रंथ है मैं एक क्रमबद्ध आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मैंने सबसे पहले आपसे चर्चा की वेद की ऋग्वेद की चर्चा की मैंने आपसे चर्चा की उपनिषदों की मैंने आपसे चर्चा की भगवत गीता की अब मैं इस चर्चा को योग दर्शन के माध्यम से आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ योग के जो साधक हैं वह योग दर्शन नहीं पढ़ें और उनको योग समझ में आ जाए ये संभव ही नहीं है वो भगवत गीता ना पढ़ें और योग के मूल तत्व को उसकी आत्मा को समझ लें संभव ही नहीं है और योग का यदि बहुत गहन डीप नॉलेज चाहते हैं और यदि वो उपनिषद नहीं पढ़ें संभव ही नहीं है साहब और यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष ग्रंथ के रूप में यदि वह वेद को ना पढ़ें चारों वेदों के मूल तत्वों को नहीं समझें तो वह आगे नहीं बढ़ सकते परंतु मैं मूल रूप से भी बात कह रहा था कि महर्षि पतंजलि का इस पूरे योग के क्रमिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वैदिक ऋषि परंपरा की यदि हम बात करें तो उसमें ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत हिरण्य गर्भ से महर्षि पतंजलि पर्यंत इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महर्षि देवदयानंद सरस्वती का स्वामी विवेकानंद जी का आदि शंकराचार्य जी का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता महायोगी अरविंदो का योगदान अयंगार जी का योगदान वह किसी से छिपा हुआ नहीं है हम उन्हें नमन करते हैं योग के विकास में आज ये विरासत जो योग की संपूर्ण विश्व को मिल रही है उसमें इन ऋषियों का मनुषियों का तपस्वियों का बहुत बड़ा योगदान है और उस यात्रा को अग्रसर कर रहे हैं हमारे ये योग के संस्थान भारत की अनेक संस्थाएं परम श्रद्धे स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परमश्रद्धे दाजी कमलेशता पटेल जी हार्टफुलनेस संस्थान के माध्यम से परम श्रद्धे श्री श्री रविशंकर जी महाराज आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से परम पूज्य श्री जग्गी वासुदेव जी महाराज ईशा फाउंडेशन के माध्यम से पूज्य नागेंद्र गुरु जी एस व्यासा विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे अनेक संस्थान हैं कैवल्य धाम द योगा इंस्टीट्यूट शांता क्रूज मुंबई माता हंसा जयदेव जी उनका जो योगदान है वह हम उसको भुला नहीं सकते उसको हम नमन करते हैं उनका अभिनंदन करते हैं परंतु महर्षि पतंजलि के इस मूल तात्विक योग की चर्चा किए हुए मैं आगे नहीं बढ़ सकता उन्होंने जो परिभाषा दी वो आज भी सबसे ज्यादा समय समाचीन परिभाषा है अथ योगानुशासनम योगश्चित वृत्ति तदाह दृष्टो स्वरूप अवस्थानम ये जो परिभाषाएं हैं योग की ये बहुत गहरी परिभाषाएं हैं एक सौ पचानवे सूत्रों के माध्यम से योग दर्शन के इस महाग्रंथ की रचना इस विशद विज्ञान को समाहित करने की जो वैज्ञानिक नीतिगत निर्णय उनका जो था जिस प्रकार का वर्गीकरण उन्होंने किया उन्होंने सबसे पहले समाधिपाद की चर्चा की जो ये जो भारतीय ऋषि मनीषा है यह सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात को कहती है जो लोग मुमुक्षु के राही हैं जो जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं सब प्रकार के क्लेशों से दुखों से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए योग की अवधारणा कहते हुए महर्षि पतंजलि समाधिपाद की बात करते हैं योगश्चित वृत्ति निरोधा चित्त के सभी टू कंट्रोल टू मैनिफेस्ट एंड टू मॉडिफाई द माइंड टू प्रोग्राम आवर माइंड टू प्रोग्राम एक्टिविटीज ऑफ माइंड, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज आवर माइंड इसका इसको डिपिक्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने जो बात कही है तदाह द्रष्टुत् स्वरूपे अवस्थान एक द्रष्टा के रूप में आपको स्थित होना है और वृत्ति सारूप्य मित्रत् यदि हम वृत्तियों के साथ जुड़ जाएंगे जो हमारे जीवन को जैसा हमारा मन चलाना चाहेगा यदि हम वैसे चलने लग जाएंगे तो वृत्तियां हमारे प्रभावी हावी हो जाएंगी वृत्ति सारूप्य मित्रत् हम उन वृत्तियों जैसा लगने लग जाएंगे जैसा वो चलाएंगे हम वैसे चलने लग जाएंगे तो यह योग की स्थिति नहीं है तो वृत्त पंचत्या क्लिष्ट अक्लिष्ट ये जो वृत्तियां हैं ये पांच प्रकार की हैं वह क्लिष्ट भी हैं अक्लिष्ट भी हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा निद्रमृतया पंचत्या ये जो पांच पंचत्या ये क्लिष्टा अक्लिष्टा ये जो वृत्तियां हैं इनको साधने का नाम इनको क्लिष्ट से अक्लिष्ट वृत्ति की ओर मोड़ने का नाम ही योग है दोस्तों